नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर, मैं हूं आकाश। जी हां, आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वहीं आपको बता दें, पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री का भी यहां बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। वहीं आज हम आपको बांसुरी के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करने से आप अपने जीवन में काफी ज्यादा मालामाल बन सकते हैं। वहीं बांसुरी को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। आपको बता दें, कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर भी भगवान कृष्ण की मूर्ति हमारे घर में स्थापित होती है तो वहां आसपास हम बांसुरी जरूर रखते हैं, और इससे कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करने लगती है और हमें किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है। तो दर्शकों, आज हम आपको बांसुरी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आप अपने घर में अगर बांसुरी के उपाय करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, जिसके चलते आप अपने जीवन में काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं बांसुरी के उन उपायों के बारे में। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम अगर बांसुरी को अपने हाथ में लेकर इधर उधर हिलाते हैं जुलाते हैं तो इससे बुरी आत्माओं की शक्ति आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं फटकेगी और आपको किसी भी बात की दिक्कत नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, बांसुरी को बजाते समय घरों में शुभ चुंबकीय प्रभाव का प्रवेश होता है। जब भी बांसुरी बजती है तो इससे हमारे घर में शुभता का प्रतीक माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा और सुना भी होगा, ग्रंथों में इस बात का जिक्र होता है कि भगवान कृष्ण जब भी बांसुरी बजाया करते थे तो उससे पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुंदर आवाजें जाने लगती थीं और भगवान इससे सबको अपनी ओर मोहित कर लेते थे, तो इसको बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं फेंगशुई विद्या के अनुसार बांसुरी घर में रखना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। यह उन्नति और प्रगति दोनों देने में बहुत सहायक होती है, इसलिए आप अपने घर में एक बांसुरी लाकर अवश्य रखें। साथ ही ऐसा भी माना जाता है, जो व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान है, जिसको नौकरी में बाधा आ रही है, वो उसकी बांसुरी सारी मुश्किलों को दूर कर सकती है और ये एक आसान उपाय हो सकता है। जो व्यक्ति काफी मेहनत करने के बाद भी अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी बांसुरी उन्नति और समृद्धि दोनों में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कारोबार में, जहां उसका कार्य क्षेत्र है, दफ्तर है, उस जमे आकर एक बांसुरी रख दे तो उससे भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक चीजें, सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में आने लगती है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हुए अपनी दुकान की छत पर दो बांसुरी चिपकाएं या फिर उन दो बांसुरियों को टांग दें, ऐसा माना जाता है। जहां भगवान कृष्ण की पूजा करते समय बांसुरी होती है तो ऐसे में भगवान उनको मनचाहा फल देते हैं और किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। तो इन आसान से उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल बन सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर। नमस्कार।